होली के रंग में यूं तो हर कोई सराबोर है और रंगों के उत्साह और उमंग के साथ सबको इच्छा होती है कि परिवार के संग होली खेलें। लेकिन राजधानी पटना में कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो होली के दिन भी अपनी दुकानें खोलते हैं, इसलिए क्योंकि अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। यानी कि एक कहावत है कि रोजी है तो रोजा है। ऐसे में राजधानी पटना के बोरिंग रोड में एक ऐसे ही चाय की दुकान जहाँ पे अमूमन लोग चाय पीने आते हैं और बहुत ही टेस्टी चाय यहाँ पे मिलती है, आज भी ये दुकानें खुली हुई है और इनको देखकर ऐसा ज़रूर लगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये परिवार के साथ नहीं गए। और होली के मौके पर आज जब पूरा परिवार हर कोई मस्ती और उमंग में छाया हुआ है तो इनसे हम जानेंगे। चाचा, आज भी आप खोले हुए हैं, हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा था। ना ही खोलेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। दुकानदारी भी नहीं चल रहा है, पहले चलता था, एक घड़ी तो दुकानदारी भी नहीं है, तो जोनों आ रहा है जो ही 10 रुपया आएगा तो आदमी। अच्छा, और ये बताइए कि ये बताइए सर कि जिस तरह से होली का जो त्यौहार है, होली के त्यौहार में अक्सर लोग परिवार के साथ होली मनाते हैं, आप लोग की भी इच्छा होगी कि परिवार के साथ होली मनाएं? एकदम इच्छा है। कल तो बंद रखेंगे, कल बंद रहेगा, आज भर हम खोले हुए हैं, कल से बंद रखेंगे 2 दिन, कहे कि तबीयत ठीक नहीं है तो का दुकान चलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, कई बचपन की होली जो याद हो आपको, जिस तरीके से खेलते होंगे अपने इलाके में, याद? देखिए, मेरा 74 साल उम्र है और उस समय से हम लोग तो वो होली अब तो होता नहीं है। हाँ। जो होली हम लोग खेले हुए हैं। हाँ। वो होली अब होता नहीं है। अब के होली क्या है, मार पीट, धर पकड़, दारू पियो, और देखिए ना, दारू पी के लड़ाई हो रहा। हाँ, तो चलता रहता है, तो ये सब चीज़ है। हम लोग को वो सब अच्छा लगता था, घर परिवार में किसी के यहाँ जा कर के किसी से भी होली खेलते थे। अच्छा लगता था। अब कहाँ किसी, अपना अब तो अपनो आदमी अपना नहीं है। हाँ, वो सब हम लोग को आज यहाँ 50 साल से हम यहाँ हैं पटना में, यहाँ पर 50 साल बोरिंग रोड में, हम एसके पुरी में। अच्छा, B9 के पास 50 साल हो गया हमको चाय बेचते हुए। वो कहीं से बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं अब, लेकिन अब तो आपके सामने कितने लोग बड़े हो गए, कई अफसर हो गए आपके यहाँ का चाय पी पी। हमारा ही है ना, हमारा यहाँ कितना लड़का जवान हो गया, सब नौकरी धर लिया। अच्छा, हमरो सब लड़का जवान हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिला है अभी एको गो को, तो एने उने भटक रहा लड़कन सब। अब हमारे लड़का है 40 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के हमारे लड़का जब, लेकिन नौकरी नहीं। हाँ, नौकरी मिलता था पहले 1979 में हम नौकरी को रिजाइन किए हैं। अच्छा, हम PhD के स्टाफ हैं। अच्छा, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वाला, जी हाँ, सिंचाई विभाग वाला। अच्छा, हम उस समय हमको स्कूटी इंजीनियर नौकरी लगा दिया था, तो मास्टर में थे, फिर ओवर चार्ज में हुए, करीब 20 साल हम नौकरी किए। अच्छा, और उसके बाद हम 40 रुपये महीना मिलता था उस समय। 1985 के बाद से लोग को पैसा बढ़ना शुरू हुआ, तो 2000 के बाद तो बढ़ा है। हाँ, 1985 से पैसा, नौकरी वाला लोग के 1985 से पैसा मिला। हम तो वही घड़ी 1979 में हम नौकरी छोड़ दिए, अब वो घड़ी से ये चाय बेच रहे हैं। तो खैर, बाल बच्चा छोटा छोटा था, सब पोस पास दिए, जवान हो गया, अब हम ही बूढ़ा हो गए, और क्या कहें। एक चीज़ और, वो जो कुछ गाना गुनगुनाना या जो उस आप लोग के समय का जो फगुआ होता था, वो फगुआ होता था, लेकिन हमारा वो सब नहीं आता है, झूठ कहा अगर, हमको वो सब फगुआ हुआ नहीं गाते हैं। अब वो भरी
अच्छा लगता था उस समय, अच्छा लगता उस समय अच्छा लगता था। हम लोग के पास मंडली बैठता था दुआरी पर, कीर्तन उर्तन पूरा, रंग अबीर गुलाल पूरा, मिट्टी कादो कीचड़, हाँ पूरा होता था तो। लेकिन अब कहाँ, अब वो सब नहीं, अब वो सब कुछ नहीं होता है। तो अब आज के जनरेशन को देख के क्या लगता है, क्या मस्त कर ना, अब माहौल वो सब नहीं है। होली चुपचाप घर में खाइए पीजिए सूत जाइए, हाँ दूसरे के यहाँ जाने आने वाला माहौल जनरेशन नहीं है अब, इतने जाने। तो आपके सामने तो कितना सरकार आया, कितना सरकार बन गया। सरकार तो हम बहुत देखे हैं, कांग्रेसों के देखे हैं, लालू जी के देखे हैं, नीतीशो जी के देखे हैं, बहुत लोग को सरकार देखे। लेकिन जो पहले के सरकार में जो हम लोग मने हुआ, अभी के सरकार में हम लोग को कोई फायदा नहीं। देखिए सरकारी आज तक ले मार घोषणा होता है ना, हर चीज़ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, हल्ला खूब होता है खूब। लेकिन आज तक ले 5 पैसा कोई कहे हमको कि सरकारी हमको लाभ मिला होगा, कोई चीज़ के नहीं, ना राशन कार्ड के, ना लोनों लेने जाएंगे ना बैंक से तो हमको चप्पल खिया जाएगा, लेकिन हमको लोन नहीं मिलेगा। ये सब तो बात सही है, इसलिए अपन हाथ जगड़ना, इसलिए अपना कमाते हैं और इसी से जो है परवस्ती चलाते हैं, मिले चाहे ना मिले। बिल्कुल। तो चलिए, देखा आपने कि कुछ लोगों की ऐसे ही कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे।